के विकास के लिए और चाहिए 200 करोड़। पालक मंत्री ने दिए 31 मार्च तक निधि खर्च करने के निर्देश। जिले के विकास का मूर्त रूप देने वाली जिला नियोजन समिति का बजट पहले 220 करोड़ रुपए था, गत वर्ष में 650 करोड़ किया गया था। अब वर्ष 2019 और 20 के लिए इसमें 200 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की मांग की जाएगी। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावन फुले ने यह जानकारी देते हुए कहा, इसके लिए 19 जनवरी को राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से चर्चा की जाएगी। बावनकुले जिला नियोजन समिति की सोमवार को हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बोल रहे थे कि बैठक के जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, महापौर नंदा जिस्कर, विधायक कृष्णा खोपड़े, सुधाकर कोले, मल्लिकार्जुन रेड्डी, विकास कुमारे, सुदीप पारवे, विधायक आशीष जायसवाल, रमेश मानकर, जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर आदि मौजूद थे। पालक मंत्री बावन खुले ने इस दौरान 31 मार्च तक खर्च करने का निर्देश दिया गया है। सभी विभागों को नए कार्य के प्रस्ताव अप्रैल में देने को कहा गया है। जिले के सरकारी विभाग जिला नियोजन समिति के माफ़ दी गई निधि से भी केवल 70% राशि ही खर्च कर सकेंगे। नए निर्देश के मुताबिक अब उन्हें 31 मार्च तक 30% खर्च राशि करनी होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि आदिवासी घटक योजना के अंतर्गत हुए खर्च के मामले में नागपुर जिला पहले स्थान पर रहा है, जबकि सर्वसाधारण योजना की निधि खर्च करने में वह दूसरे स्थान पर है। जिला नियोजन की इस योजना के तहत 452 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर हुआ था, इसमें से 1315 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए, 280 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिसमें केवल 197 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपाय योजना के तहत वितरित किए गए दिसंबर तक 470 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आदिवासी घटक कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित 470 करोड़ में से दिसंबर तक 309 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बैठक में जानकारी दी कि 2019 और 20 प्रमुख में सर्वसाधारण योजना के लिए सरकारी मशीनरी द्वारा 627 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, 264 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है। आज की बैठक में विधायक को जिला परिषद सदस्य एक पार्षदों में अंतरिक्त निधि की मांग की है। इन विभागों ने कुछ भी खर्च नहीं किया है। कई सरकारी विभाग ने तो एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, जिनमें से दुग्ध विकास विभाग, सहायक आयुक्त मत्स्य विभाग, तीर्थ स्थल विकास कार्यक्रम, जिला पूर्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग का समावेश है। लोक निर्माण विभाग की मंद गति के कारण अनेक विभाग कोई काम नहीं कर पाए है। उधर पशु संवर्धन विभाग को मंजूर की निधि में सिर्फ 3.8% ही खर्च हो पाया है। अब वेतन के वृद्धि के लिए खर्च नहीं। आदिवासी घटक योजना के कर्मियों को अब तक डीपीसी के मार्फत वेतन दिया जाता था, जबकि डीपीसी की निधि रोजगार सृजन एवं विकास कार्यों के लिए है। यह बात ध्यान में आने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर रोक लगाई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।